500 का नोट, 1000 का नोट अब रद्दी का टुकड़ा बन गए हैं इस क्षण के बाद। और उसके बाद उसी रात को जापान जाते हैं, जापान में मजाक उड़ाते हैं, हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। ये ऐसा बगैर सोचे समझा हुआ कदम था जिसके परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। अर्थव्यवस्था उसको बर्दाश्त अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो विश्व विख्यात अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने उसी समय कहा था कि ये ऐसा कदम है जिसके परिणाम गंभीर होंगे और कम से कम 2% जीडीपी ग्रोथ डाउन जाएगी। वो डाउन गई। लेकिन जब उन्होंने फिर कहा कि जब 5% ग्रोथ रेट पर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ टिकी, उन्होंने कहा कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया उसका प्रभाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि देश ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्हें अर्थव्यवस्था की हालत का जायजा और उसका गिरती हुई अर्थव्यवस्था का इलाज सोचने समझने की क्षमता नहीं है और उसके परिणाम दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं।